हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक क्रिएशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस टाइप का ग्लास फ्रंट किस तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड, मेरा ये ग्लास फ्रंट बनाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने जो है ना रा फोटो एडिटिंग पर वीडियो बनानी थी, लेकिन यार जो है ना मैं इंट्रो कुछ डाउनलोड किया था, मतलब बनाया था जो वीडियो से पहले आपको शो होता है, तो उस पर यार ना दो तीन वीडियो थी उस पर तो कॉपी राइट क्लेम आया था, तो वो मैंने डिलीट कर दिए दो तीन वीडियोज़। ठीक है, ग्लास फ्रंट की थी, फेसबुक कवर की थी और एक शर्ट कलर चेंज की थी, तो इस वजह से यार उस हिसाब से मैं अब चल रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियोस ग्लास फ्रंट की आज बना रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं मतलब ग्लास फ्रंट कह रहा हूँ, रा मतलब फोटो एडिटिंग पर ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि यार वो जो वीडियो मैंने डिलीट कर दी है क्योंकि उसकी आवाज़ जो हो जाती है म्यूट। ठीक है, तो फिर अब आपने करना कि सबसे पहले पिक्सलैब में आना और यहाँ पर पिक ऐड करनी और यहाँ पर नेम टाइप कर, पिक भी ऐड मैंने कर ली है और नेम भी मैंने लिख लिया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले एन लिखना है, जितने फ़ॉन्ट्स जो कुछ मैं यूज़ करूँगा इन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एन लगा लेना है, एन का साइज़ आपने अपने हिसाब से रख लेना है। अब आपने करना कि फिर कॉपी करनी है और यहाँ पे नेम में टाइप करूँगा नेला। ठीक है, नेला लिख लिया और इसका जो आगे वाला फ़ॉन्ट है वो आपने चेंज कर देना है। ठीक है, आगे वाला फ़ॉन्ट्स मैंने चेंज कर दिया है और इस एन को थोड़ा सा आपने बड़ा फ्रेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बड़ा कर लिया, इसको यहाँ पे ले आना है और इसको यहाँ पे ले आना है तकरीबन यहाँ तक। अब आपने इसकी कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपने बड़ा एफ फ्रंट लिखना है, इस पे मैं लीव फॉन्ट लगाऊंगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसको वहाँ से डाउनलोड कर देना है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड ये मजबूरी के तहत जो है ना तीन वीडियोज़ मैंने डिलीट किए हैं, हालाँकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चैनल से वीडियो डिलीट की थी, बस यही मसला आ जाता है। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना रा ग्लास फ्रंट की मैं वीडियो ज़रूर ले आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आपने अब आपने करना क्या फ्रेंड, यहाँ पे ए बी सी लिखना। ठीक है, अब आपने इस पर बोनस हार्ट फॉन्ट लगा देना है। ठीक है, तो बोनस हार्ट लगाने के बाद आपने इसको कुछ यहाँ इस टाइप का बनाकर लगा लेना है। अब फ्रेंड आपने करना कि आपने यहाँ पर डी लिखना है। ठीक है, डी लिखने के बाद ना फ्रेंड आपने करना कि आपने ये वाला इस पर फॉन्ट लगा देना है, आप कोई भी डिज़ाइन लगा लीजिएगा, लेकिन मैं जस्ट मिसाल के तौर पर ये लगा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता था थंबनेल पर कोई और डिज़ाइन है, लेकिन फॉन्ट्स ये ही है। ठीक है, आप ए बी सी लिखकर डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसका बैकग्राउंड फ्रंट ट्रांसपेरेंट कर देना है और इसको अल्ट्रा में सेव करना है, सेव टू गैलरी। ठीक है, अल्ट्रा में सेव करने के बाद फ्रेंड आपने सिंपली करना कि आपने आना है पी एस टच में। ठीक है, तो फ्रेंड वो मैंने इंट्रो यूज़ किया था, तो वो उसमें जो है ना कॉपीराइट क्लेम वीडियो पे आ गया था, तो इसलिए मुझे मजबूरी के तहत जो पिछले दिन में मैंने ग्लास फ्रंट आकाश नेम लिखा था वो और जो फेसबुक कवर अपलोड किया था ये जो लास्ट टाइम, ठीक है वो तो, और एक ओल्ड वीडियो थी टी शर्ट कलर चेंज, ये मैंने तीन की हैं। तो अब आपने यहाँ सबसे पहले पिक ऐड फ्रंट करनी है, पिक ऐड कर ली, अब आपने प्लस पे क्लिक करना है, फोटो लेयर पर जाना है और यहाँ से ना फ्रेंड पिक्सलैब वाला फोल्डर ढूंढ लेना और अपना नेम ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ से ना मैं पिक्सलैब वाला फोल्डर ढूंढ लेता हूँ और अपना नेम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नेम ऐड कर लिया। अब फ्रेंड आपने करना कि आपने फर्स्ट वाली लेयर की ना तीन डुप्लीकेट कॉपी करनी, यहाँ पे ना तीन दफ़ा क्लिक करना है, तीन दफ़ा क्लिक कर दिया और इन तीनों को हाइड कर देना है। अब आपने यहाँ से थोड़ा सा समझना है, आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है और यहाँ से आपने लाइट में आ जाना है। ठीक है, लाइट में आने के बाद सर्कल को पकड़ कर ऊपर दे जाना, इसको फुल ब्लैक कर देना है। अब फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना है, एफ एक्स में जाना है और इस ग्लो में आ जाना है। ठीक है, ग्लो में आने के बाद आपने करना क्या फ्रेंड, आपने कलर वाइट कर देना है और इसका जो ब्लर है ना ये 0.6 करना है। और अब आपने करना है कि इस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको सिंपली स्क्रीन कर देना है। अब आपने सेकंड लेयर को पहले ऑन करना है, ठीक है, हाइड है, फिर इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर एफ एक्स में जाना है और यहाँ से आपने आना है ड्रॉप शेडो में। ठीक है, इसका एंगल ना ये 143 पे कर देना है और जो इसका ब्लर ये 5 पे कर देना है और जो डिस्टेंस 8 पे कर देनी है और ओके कर देना है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने आना है थर्ड वाली लेयर पे, पहले इसको ऑन करना है और इसको सिलेक्ट करना है और एफ एक्स में जाना है। एफ एक्स में जाने के बाद आपने आना है बेवल में। ठीक है, बेवल में आने के बाद आपने कलर ब्लैक कर लेना है और इसका जो ब्लर है ना ये 34.2 कर देना और जो डिस्टेंस है ना ये 20:30 पर कर देनी है। अब आपने इसका ब्लेंड मूड फ्रेंड ओवरले कर देना है। ठीक है, ओवरले कर लिया। अब आपने आना है लास्ट लेयर पे। ठीक है, इसको पहले ऑन करना है
इसको सिलेक्ट करना है और इधर आना है, सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है यहाँ से, ठीक है, सिलेक्ट पिक्सल करना है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे, ठीक है, और इधर आना है फिल स्ट्रोक में, और यहाँ पे आपने ये टाइप लिखा है इस पर क्लिक कर देनी है, और यहाँ पे आपने ये फोर ऑप्शन है फिल स्ट्रोक नोज क्लाउड्स, आपने नोज पे क्लिक कर देना है, नोज पे, और यहाँ पे आपने कलर की जगह ना कोई भी कलर चूज़ कर देना है, ठीक है। साल के तौर पर मैं ये वाले लूँगा, लेकिन अभी देखने इसमें कलर ये वाला ठीक नहीं आ रहा, आपने इस पर चार पाँच दफ़ा ये लगाना है कलर नोज, दो दफ़ा हो गया, तीन दफ़ा हो गया, सॉरी दो दफ़े आप लगाएं, तीन दफ़ा से ये काम ख़राब हो रहा, आप दो दफ़ा लगाएं। अब आपने इस फर्स्ट वाली लेयर की जो ग्लो वाली लेकिन यहाँ से फ्रेंड आपने कॉपी कर देनी है, ठीक है, आपने इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर देनी है, और इस शेडो वाले की भी एक कॉपी कर देनी है, ठीक है, और जो लास्ट वाली लेयर है ना इसकी भी कॉपी करनी है, और लास्ट वाली लेयर का ब्लेंड मूड अगर आप ओवरले भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लास्ट लेयर का कॉपी करके ब्लेंड मूड ओवरले कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कितना प्यारा ग्लास फंड बन गया, ठीक है। इसको ऊपर करेंगे तो इस टाइप का आएगा, पीछे करेंगे तो ये देखना बिल्कुल ग्लास फंड जैसे थंबनेल पर दिखा है वैसे बना है, ठीक है। तो फ्रेंड आज का हमारा यही था ट्यूटोरियल, यार वीडियो लाइक कमेंट किया करें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, पहले पेक पर क्लिक करने फिर ओके कर देने। फ्रेंड आज का हमारे पास यही था ट्यूटोरियल, अगर वीडियो पसंद है लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।